हाँ, ए से बी तक और फिर बी से सी तक, इज इट क्लियर? यस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टी वन प्लस टी टू। ए से जी बी तक कितना डिस्टेंस है? 2x। बी से सी तक है x। और टी वन को कैसे लिखोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 2x अपॉन वी वन। और टी टू कैसे लिखोगे? x डिस्टेंस है, वी टू स्पीड है, तो डिवाइड x अपॉन वी टू। ये स्टेप पे ध्यान दो, जो लास्ट वाली लिखा हूं मैंने, लास्ट वाली, एकदम लास्ट वाली स्टेप देखो। अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गया सर। समझ गए कि यस कोई डाउट है? समझ गए या डाउट है, जल्दी बताओ। है डाउट बेटा? अरे डाउट है या समझ गए हो पूरा? समझ गया सर। हाँ, डिस्टेंस होगा ए से बी तक जाना और वापस लौट के आना, ये डिस्टेंस आएगा, ये इतना डिस्टेंस रहेगा, ठीक है? 3x। सो डिस्टेंस कवर्ड इज 3x हियर, डिस्टेंस कवर्ड इज 3x डिवाइडेड बाय। अब आप यहां पे ना एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा वी वन और वी टू। अब इसको सॉल्व करना, तो 2x फिर बन जाएगा वी टू और x इंटू वी वन, एक्स को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देना, तो 3v1v2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, कितना बच रहा है? 2 टाइम्स v2 अपॉन, ओ सॉरी, प्लस v1। ये फार्मूला बन गया। अब वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे, अब ये फार्मूला बन गया, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 3 into v1 था 60 into 40 डिवाइडेड बाय, कितना बचा बेटा? 2 into 60 plus 40, सो दिस इज 3 into 60 into 40। ये कैलकुलेशन ना बहुत आसान है, वो उसमें मुश्किल नहीं। 120 plus 4 160, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, 4 से ये 15 टाइम्स, आंसर इज 45 किलोमीटर पर आवर। देख लो अभी ये एवरेज आया यहाँ पे, एवरेज स्पीड, समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई एवरेज स्पीड समझ गए या नहीं? कोई डाउट अभी? समझ गए एवरेज स्पीड? ये जो मैंने ब्राउन कलर के पेन से हाँ लाइन सर, बनाया, ये डिस्टेंस की लाइन है। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी? व्हाट इज द एक्स डिस्प्लेसमेंट? हाँ एक्स यस, डिस्प्लेसमेंट इज एक्स। डिस्प्लेसमेंट बेटा यहाँ पे एक्स है, ठीक है? सिर्फ एक्स है, डिस्प्लेसमेंट इज एक्स। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो ये जो लाइन मैंने यहाँ पे बनाया सीधी सीधी, ये डिस्प्लेसमेंट की लाइन आपको दिख रही है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? समझ गए डिस्प्लेसमेंट? कोई डाउट है डिस्प्लेसमेंट के बारे पे? सीधी लाइन कितना दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट आपको? डिस्प्लेसमेंट इज एक्स। अरे एक्स है ना डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना? ab/2 भी लिख सकते ना सर? क्या ab/2 भी तो लिख सकते? हाँ, ab/2 भी लिख सकते हो और x भी ले लो। जब आपने x x ले लिया ना, उससे आपके कैलकुलेशन आसान हो रहे हैं ना, तो आप x लेके चलो ना। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया a से लेके c तक का डायरेक्ट, और डिस्टेंस a से b तक जाना और फिर b से c तक आना, ये डिस्टेंस है। जबकि a से c तक डायरेक्ट क्या हो गया? उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी समझ गए या डाउट है यहां तक किसी को भी? हेलो, कोई डाउट है? पक्का नहीं है ना? हाँ सर, नो सर। हाँ ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? एवरेज वेलोसिटी यस सर। कैसे निकालोगे? फार्मूला क्या लगाओगे? एवरेज वेलोसिटी विल बी गिवन बाय वी एवरेज। अरे यहाँ पे ना थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे अगले पेज पे करना पड़ेगा सॉल्व, नहीं तो यहीं पे। सो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या लिखोगे? क्या लिखोगे जल्दी बताओ?
एवरेज वेलोसिटी में क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट ना? पूरा नहीं लिखा हूं मैंने, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है क्वेश्चन में, x, x अपॉन टोटल टाइम लेना पड़ेगा, लेकिन t1 प्लस t2, यहां पे ध्यान देना, जब आप एवरेज वेलोसिटी लिख रहे हो तो आपको फिर से पूरा टाइम लेना पड़ेगा, कौन सा वाला, t1 प्लस t2 वाला, भले वहां पे a से c तक का जो टाइम है वो आपको लग रहा होगा कि t1 नहीं है बेटा, t1 भी और t2 भी इंक्लूड होगा। तो एवरेज वेलोसिटी में जब आप कैलकुलेशन करोगे एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो देखो क्या इक्वेशन आ रही है आपके पास, एवरेज वेलोसिटी, दी एवरेज इज x अपॉन t1 प्लस t2, कैलकुलेट करो, x, t1 कितना था, 2x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, और इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आंसर बचेगा आपका v1 v2 डिवाइडेड बाय 2 v2 प्लस v1। हर्षल, हाँ बोलो बेटा हर्षल, आंसर आया, इसलिए हैंड रेस किए क्या? नहीं सर, वो गलती से हो गया। ओके, अभी v1 की वैल्यू कितनी थी, 40, फिर 60, फिर 2 × 60 + 40, फाइनल आंसर बताओ कितना बच रहा अभी एवरेज वेलोसिटी का, कितना बेटा, 15, ये 120, ये 40 × 60 / 160, इज इट क्लियर? फिर 4 से ये 10 टाइम्स गया, 4 × 4 = 16, मतलब 15 आ गया ना आंसर, 15 किलोमीटर पर आवर। अरे भाई समझ गए, आया ना, हेलो, समझ गए कि नहीं, 15 किलोमीटर पर आवर। तो अभी अभी देखो मैंने सिर्फ दो प्रॉब्लम डिस्कस किया यहाँ पे, और जो डेफिनेशन पढ़ाया था वो कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर हो गई कि फार्मूले रटना है आपको, बताओ क्या करना है, फार्मूले रटना है हर एक क्वेश्चन के लिए, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। हाँ, तो फिजिक्स चलेगी कॉन्सेप्ट से, फार्मूला बेसिस पे फिजिक्स नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना आप आगे, क्योंकि सिचुएशन के कोई हाथ पैर नहीं होते ना, हाथ पैर होते सिचुएशन के, क्या